के दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वह गांव और वह बछड़े की पूजा अर्चना शुरू की थी और जिसमें से आज के दिन में से वह देवांशी के लिए गोशाटी के रूप में मनाते हैं। और गौशाला के लिए मुख्य संरक्षण अनिल राय ने बताया है कि वह सोशल गौशाला में से वहीं पर अंदर 315 गायें हैं और जिनकी हम देखभाल करते हैं और जिसमें दूध देने वाली के साथ ही बिना दूध वाली वह गौ माता भी है और हिंदू धर्म के लिए वह गौ की पूजा की जाती है। और आज के दिन में हम लोगों ने हवन पूजन वह गौ की पूजा अर्चना की है और वह अब भंडारा आयोजित किया गया है जिसमें हजारों लोगों के प्रसाद ग्रहण किया गया है और वह गाय के लिए मालमूत्र को वह औपदेशिक के लिए काम आता है और इसकी वह इनकी देखभाल करनी चाहिए, इन्हें खुले में से नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ भी ये भी सुविधा है कि जिसके पास जगह नहीं है वो हमारे यहाँ गौशाला में अपनी गाय रख सकता है और वह अपना दूध निकाल कर घर ले जा सकता है। आज श्री कृष्ण गौशाला पचांडा रोड गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में गोपाष्टमी का आयोजन किया गया है। ये 25 साल पुरानी गौशाला है जिसको यहाँ के स्थानीय निवासी आपसी सहयोग से ही संचालित कर रहे हैं। कस्तूरी सिंह मलिक साहब इसके अध्यक्ष हैं, जिले सिंह चौहान साहब चेयरमैन हैं, नरेंद्र जी इसके सेक्रेटरी हैं। ये सभी लोग मिलकर इस गौशाला को चला रहे हैं जिसमें 300 से ज़्यादा गोवंश आज है। जब ये शुरू हुई थी जब 12 गोवंश मात्र था, 300 ज़्यादा गौवंश है जिसकी सेवा ये सभी लोग अपने सहयोग से आपस के परिवार के सहयोग से करते हैं और संपूर्ण समर्पण के साथ सेवा करते हैं। गौवंश की दुर्दशा पर क्या कहना चाहिए? गौवंश के लिए प्रदेश सरकार बहुत सजगता की बात करती है, जगह जगह गौशालाएँ बनाई जा रही है, गौ आश्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं, पर दुर्भाग्य है कि जो प्रदेश शासन की नीति है वो धरातल तक उतनी नहीं पहुँच पा रही जितनी हो रही है। गाँव देहात में गौवंश बेकार घूम रहा है, असहाय घूम रहा है, उसके लिए व्यवस्था जैसी की जानी चाहिए। जितना अनुदान सरकार के स्तर पर मिल रहा है वो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सही अर्थों में उसका नहीं मिल रहा है। जो गौशालाएँ सही ढंग से संचालित हो रही हैं उनको यदि प्राथमिकता दी जाए, उनको यदि सहयोग दिया जाए तो निश्चित रूप से गौवंश की रक्षा ज़्यादा होगी, गौवंश के लिए ज़्यादा बेहतर व्यवस्था सरकार कर सकती होगी। जैसे आपकी गौशाला है तो क्या सरकारी व्यवस्था कुछ मिलती है? नहीं, अभी तक इसको कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, ये सब केवल इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा जन सहयोग से मिल रहा है। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि हजारों परिवार इसमें आए हैं और वो स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। जो नियमित रूप से चाहे चारे का हो, चाहे उनके और अन्य सामग्री का हो, ये जमीन के लिए हो, ये सभी सहयोग करते हैं जिससे ये सब बनाई गई है। केवल जन सहयोग से, इसमें कोई सरकारी अनुदान अभी तक नहीं आया है। कितनी गौवंश हो गया? 300 से ज़्यादा गौवंश है, 315 गौवंश यहाँ हो चुकी हैं और ये इस शहर की अकेली ऐसी गौशाला है जिसमें वृद्ध गायों को भी स्वीकार किया जाता है, जिसमें बछड़ों को भी स्वीकार किया जाता है। अन्य किसी गौशाला में केवल बगैर दूध की भी गौशाला, इस गौवंश कोई किसी तरह का हो, चाहे वो बछड़े हों, चाहे वो वृद्ध गायें हों, चाहे वो दूध से चली गई हो, उन सबको यहाँ स्वीकार किया जाता है, उनका सेवा की जाती है, उनको यहाँ बाकायदा चिकित्सक आते हैं जो नियमित रूप से उनकी सेवा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनको मेडिकल एड देते हैं। गोपाष्टमी पर सभी से अनुरोध है कि गौ को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है, सभी से अनुरोध है कि वो गौ को यदि सेवा करेंगे, गौ को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदूषण की जो समस्या है इसका अपने आप निदान होगा, क्योंकि गौ एकमात्र ऐसी है जिसका हर उसका मल मूत्र तक जो है वो औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए सभी को, और इस गौशाला की एक खास बात ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति गौ पालना चाहता है उसके पास स्थान। न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए